रेडियो मिर्ची प्रेजेंट्स एक पुरानी कहानी। पुरानी कहानी। अब सुनिए सादत हसन मंटो का अफसाना बू, प्रोड्यूस्ड बाय अंकित शर्मा और आवाज है आरजे सायमा की। बरसात के यही दिन थे। खिड़की के बाहर पीपल के पत्ते इसी तरह नहा रहे थे। सागवान के उस स्प्रिंग वाले पलंग पर, जो अब खिड़की के पास से जरा उधर को सरका दिया गया था, एक घाटन लौंडिया रणधीर के साथ चिमटी हुई थी। खिड़की के बाहर पीपल के पत्ते रात के दुधियाले अंधेरे में झुमकों के तरह थरथरा रहे थे और नहा रहे थे, और वो घाटन लौंडिया रणधीर के साथ कप कपाहट बनकर चिमटी हुई थी। शाम के करीब दिन भर एक अंग्रेजी अखबार की तमाम खबरें और इश्तेहार पढ़ने के बाद जब वो बालकनी में जरा तफरी की खातिर आ खड़ा हुआ था, तो उसने इस घाटन लड़की को, जो गालिबन साथ वाले रस्सियों के कारखाने में काम करती थी और बारिश से बचने के लिए इमली के दरख्त के नीचे खड़ी थी, खांस खंखार कर अपनी तरफ उसका ध्यान खींच ही लिया था और आखिर में हाथ के इशारे से उसे ऊपर बुला लिया था। वो कई दिनों से शदीद किस्म की तन्हाई महसूस कर रहा था। लड़ाई की वजह से बंबई के करीब करीब तमाम क्रिश्चियन छोकरियां, जो पहले सस्ते दामों पर मिल जाती थी, औरतों की ऑक्सिलरी फोर्स में भर्ती हो गई थी। उनमें से बाज ने फोर्ट के इलाके में डांसिंग स्कूल खोल लिए थे, जहां सिर्फ फौजी गोरों को जाने की इजाजत थी। रणधीर बहुत उदास हो गया था। उसकी उदासी की एक वजह तो ये थी कि क्रिश्चियन छोकरियां बहुत मुश्किल से मिला करती थीं। दूसरी वजह यह भी थी कि रणधीर, जो फौजी गोरों के मुकाबले में कहीं ज्यादा सभ्य, पढ़ा लिखा, सेहतमंद और खूबसूरत था, सिर्फ इसलिए उस पर फोर्ट के अक्सर कॉफी हाउसेस के दरवाजे बंद कर दिए गए थे कि उसकी चमड़ी सफेद नहीं थी। जंग से पहले रणधीर नागपाड़ा और ताज होटल के आसपास की कई क्रिश्चियन लड़कियों से जिस्मानी मुलाकात कर चुका था। उसे अच्छी तरह मालूम था कैसे अदब और लिहाज से मिलने में वो उन क्रिश्चियन लौंडों के मुकाबले में कहीं ज्यादा जानकारी रखता है जिनसे ये लड़कियां फैशन के तौर पर रोमांस लड़ाती हैं और बाद में किसी बेवकूफ से शादी कर लेती हैं। रणधीर ने महज दिल ही दिल में हैजल से उसकी ताजा ताजा अकड़ का बदला लेने की खातिर उस घाटन लड़की को इशारे से ऊपर बुलाया था। हैजल उसके फ्लैट के नीचे रहती थी और हर रोज सुबह को वर्दी पहनकर और अपने कटे हुए बालों पर खाकी रंग टोपी तिरछे लगाकर बाहर निकलती थी और इस अंदाज से चलती थी जैसे फुटपाथ पर तमाम जाने वाले उसके कदमों के आगे टाट की तरह बिछते चले जाएंगे। रणधीर ने सोचा था कि आखिर वो क्यों इन क्रिश्चियन छोकरियों की तरफ इतना झुका हुआ है। इसमें कोई शक नहीं कि वो अपने जिस्म की तमाम काबिले नुमाइश चीजों की अच्छी तरह नुमाइश करती हैं। किसी किस्म की झिझक महसूस किए बगैर अपने उन दिनों की बेतरतीबी का जिक्र कर देती हैं, अपने पुराने अफेयर्स का हाल सुनाती हैं। जब डांस की धुन सुनती हैं तो अपनी टांगे थिरकाना शुरू कर देती हैं। ये सब ठीक है, लेकिन कोई भी औरत में ये तमाम खूबियां हो सकती हैं। रणधीर ने जब घाटन लड़की को इशारे से ऊपर बुलाया था तो उसे हरगिज हरगिज यकीन नहीं था कि वो उसको अपने साथ सुला सकेगा। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद जब उसने उसके भीगे हुए कपड़े देखकर ये ख्याल किया, कहीं ऐसा ना हो बेचारी को निमोनिया हो जाए, तो रणधीर ने उससे कहा था, ये कपड़े उतार दो, सर्दी लग जाएगी। वो उसका मतलब समझ गई थी, क्योंकि उसकी आंखों में शर्म के लाल डोरे तैर गए थे।
मगर बाद में जब रणधीर ने उसे अपनी सफेद धोती निकाल कर दी तो उसने कुछ देर सोचकर अपने अंदर के कपड़े खोले, जिसका मैल भीगने की वजह से और ज्यादा उभर आया था। वो कपड़े खोलकर उसने एक तरफ रख दिया और जल्दी से सफेद धोती अपनी रानों पर डाल दी। फिर उसने अपनी फंसी फंसी चोली उतारने की कोशिश शुरू की कि जिसके दोनों किनारों को मिलाकर उसने एक गांठ दे रखी थी। देर तक वो अपने घिसे हुए नाखूनों की मदद से चोली की गिरह खोलने की कोशिश करती रही, जो बारिश के पानी से बहुत ज्यादा मजबूत हो गई थी। जब थक कर हार गई तो उसने मराठी जबान में रणधीर से कुछ कहा, जिसका मतलब था, मैं क्या करूं, नहीं खुलती। रणधीर उसके पास बैठ गया और गिरह खोलने लगा। थक हार कर उसने एक हाथ में चोली का एक सिरा पकड़ा, दूसरे हाथ में दूसरा, और जोर से खींचा। गिरह एकदम फिसली। रणधीर के हाथ जोर में इधर उधर हटे और दो धड़कती हुई छातियां सामने आ गईं। रणधीर ने एक लहजे के लिए ख्याल किया कि उसके अपने हाथों ने उस घाटन लड़की के सीने पर नरम नरम गुंधी हुई मिट्टी को होशियार कुम्हार की तरह दो प्यालों की शक्ल दे दी है। उसकी सेहतमंद छातियों में वही गदराहट, वही खिंचाव, वही तरावट, वही गर्म गर्म ठंडक थी जो कुम्हार के हाथों से निकले हुए ताजा ताजा कच्चे बर्तन में होती है। मटमैले रंग की उन जवान छातियों में, जो बिल्कुल बेदाग थीं, एक अजीब किस्म की चमक मिली हुई थी। स्याह और गेहुआ रंग के नीचे धुंधली रोशनी की एक तैसी थी जिसने ये अजीबोगरीब चमक पैदा कर दी थी, जो चमक होने के बावजूद चमक नहीं थी। उसके सीने पर छातियों के ये उभार दिए मालूम होते थे, जो तालाब के गदले पानी के अंदर जल रहे हों। बरसात के यही दिन थे। खिड़की के बाहर पीपल के पत्ते कपकपा रहे थे। उस घाटन लड़की के दोनों कपड़े, जो पानी से सराबोर हो चुके थे, एक गंदी ढेरी की शक्ल में फर्श पर पड़े थे और वो रणधीर के साथ चिमटी हुई थी। उसके नंगे और मैले बदन की गर्मी रणधीर के जिस्म में वो कैफियत पैदा कर रही थी जो सख्त सर्दियों में नाइयों के गलीज मगर गर्म हम्माम में नहाते वक्त महसूस हुआ करती है। सारी रात वो रणधीर के साथ चिमटी रही। दोनों गोया एक दूसरे में खोए हुए थे। उन्होंने बहुत मुश्किल से एक दो बातें कही होंगी, क्योंकि जो कुछ उन्हें कहना सुनना था सांसों, होठों और हाथों से तय होता रहा। रणधीर के हाथ सारी रात उसकी छातियों पर हवाई छुअन की तरह फिरते रहे। छोटी छोटी छातियां और वो मोटे मोटे पोर्स, जो उनके इर्द गिर्द एक काले दायरे की शक्ल में फैले हुए थे, उस हवाई लम्स, उस हवाई छुअन से जाग उठते और उस घाटन लड़की के सारे जिस्म में उसका करंट दौड़ जाता कि रणधीर खुद भी एक लहजे के लिए कपकपा उठता। ऐसी कपकपाहट रणधीर सैकड़ों मर्तबा महसूस कर चुका था। वो उसकी लज्जत से अच्छी तरह वाकिफ था। कई लड़कियों के नर्म और सख्त सीनों के साथ अपना सीना मिलाकर वो ऐसी रातें गुजार चुका था। वो ऐसी लड़कियों के साथ भी रह चुका था जो बिल्कुल अल्हड़ थीं और उसके साथ लिपटकर घर की वो तमाम बातें सुना दिया करती थी जो किसी गैर को नहीं सुनानी चाहिए। वो ऐसी लड़कियों से भी जिस्मानी रिश्ता कायम कर चुका था जो सारी मेहनत खुद करती थी और उसे कोई तकलीफ नहीं देती थी। मगर ये घाटन लड़की
जो इमली के दरख्त के नीचे भीगी हुई खड़ी थी और जिसको उसने इशारे से ऊपर बुला लिया था, बहुत ही अलग थी। सारी रात रणधीर को उसके बदन से अजीब और गरीब किस्म की बू आती रही थी, उस बू को जो एक ही वक्त में खुशबू और बदबू थी, वो सारी रात पीता रहा था। उसकी बगलों से, उसकी छातियों से, उसके बालों से, उसके पेट से, हर जगह से ये बू, जो बदबू भी थी और खुशबू भी, रणधीर के हर सांस में मौजूद थी। सारी रात वो सोचता रहा था कि ये घाटन लड़की बिल्कुल करीब होने पर भी हरगिज हरगिज इतनी ज्यादा करीब ना होती अगर उसके नंगे बदन से ये बू ना उड़ती, ये बू जो उसके दिलो दिमाग की हर सलवट में रेंग गई थी, उसके सारे पुराने और नए ख्यालों में रच गई थी। उस बू ने उस लड़की को और रणधीर को एक रात के लिए आपस में मिला दिया था। दोनों एक दूसरे के अंदर दाखिल हो गए थे, बेहद गहराइयों में उतर गए थे, जहां पहुंचकर वो एक खालिस इंसानी लज्जत में तब्दील हो गए थे। ऐसी लज्जत, ऐसा मजा जो पल भर का होने के बावजूद हमेशा का सा हो गया था। ऐसी बू जो उड़ जाने की सलाहियत रखती थी मगर अपनी जगह स्थिर थी। वो दोनों एक ऐसे पंछी बन गए थे जो नीले आसमान में उड़ता उड़ता एक जगह स्थिर दिखाई देता है। उस बू को जो उस घाटन लड़की के हर पोर से बाहर निकली थी, रणधीर अच्छी तरह समझता था मगर किसी को खुल के नहीं बता पाता। जिस तरह बाज औकात मिट्टी पर पानी छिड़कने से सौंधी सौंधी बास पैदा होती है, लेकिन नहीं, वो बू कुछ और ही किस्म की थी। इसमें लैवेंडर और इत्र का बनावटीपन नहीं था, वो बिल्कुल असली थी, औरत और मर्द के आपसी ताल्लुकात की तरह असली और बिल्कुल शुरुआती, जिस तरह दुनिया का आगाज हुआ हो। रणधीर को पसीने की बू से सख्त नफरत थी। वो नहाने के बाद आमतौर पर अपनी बगलों में खुशबूदार पाउडर लगाता था या कोई ऐसी दवा इस्तेमाल करता था जिससे पसीने की बू दब जाए, लेकिन हैरत है कि उसने कई बार, हां कई बार, उस घाटन लड़की की बालों भरी बगलों को चूमा और उसे बिल्कुल घिन ना आई, बल्कि उसे अजीब तरह का मजा आया। उसकी बगलों के नरम नरम बाल पसीने की वजह से गीले हो रहे थे, उनसे भी वही बू निकली थी जो समझने के लायक होने के बावजूद समझ नहीं आ रही थी। रणधीर को ऐसा लगा था कि वो उस बू को जानता है, पहचानता है, उसका मतलब भी समझता है, लेकिन किसी और को ये मतलब समझा नहीं सकता। बरसात के यही दिन थे, इसी खिड़की के बाहर जब उसने देखा था तो पीपल के पत्ते लरज लरज कर नहा रहे थे, हवा में सरसराहटें और फड़फड़ाहटें खुली हुई थी। अंधेरा था मगर उसमें दबी दबी धुंधली सी रोशनी भी समाई हुई थी, जैसे बारिश के कतरों के साथ लगकर तारों की थोड़ी थोड़ी रोशनी उतर आई हो। बरसात के यही दिन थे जब रणधीर के इसी कमरे में सागवान का सिर्फ एक पलंग होता था, मगर अब उसके साथ ही एक दूसरा भी पड़ा था और कोने में एक नई ड्रेसिंग टेबल भी मौजूद थी। दिन यही बरसात के थे, मौसम भी बिल्कुल ऐसा ही था, बारिश के कतरों के साथ तारों की थोड़ी थोड़ी रोशनी भी उतर रही थी, मगर फिजा में हिना मेहंदी के इत्र की तेज खुशबू बसी हुई थी। दूसरा पलंग खाली था,
उस पलंग पर जिस पर रणधीर औंधे मुंह लेटा खिड़की के बाहर पीपल के लरसते हुए पत्तों पर बारिश के कतरों का नाच देख रहा था, एक गोरी चिट्टी लड़की अपने नंगे जिस्म को छुपाने की नाकाम कोशिश करते करते गालिबन सो गई थी। उसकी लाल रेशमी शलवार दूसरे पलंग पर पड़ी थी। उसके गहरे सुर्ख इजारबंद का एक फुंदना नीचे लटक रहा था। उस पलंग पर उसके दूसरे उतरे हुए कपड़े भी पड़े थे। उसकी सुनहरे फूलों वाली कमीज, अंगिया, जांघिया और दुपट्टा सबका रंग सुर्ख था। ये सब कपड़े मेहंदी के इत्र की तेज खुशबू में बसे हुए थे। लड़की के काले बालों में मुकेश के जर्रे गर्द की तरह जमे हुए थे। चेहरे पर लाली और मुकेश के इन चमकीलों ने मिलजुल कर एक अजीबो गरीब रंग पैदा कर दिया था, बेजान सा, उड़ा उड़ा। और उसके गोरे सीने पर अंगिया के कच्चे रंग ने यहां वहां लाल धब्बे डाल दिए थे। छातियां दूध की तरह सफेद थी, जिसमें थोड़ी थोड़ी नीलाहट भी होती है। बगलों के बाल मुंडे हुए थे, जिसकी वजह से वहां का रंग थोड़ा सा काला पड़ गया था। रणधीर कई बार उस लड़की की तरफ देखकर सोच चुका था, क्या ऐसा नहीं लगता जैसे मैंने अभी अभी कीलें उखेड़कर उसे लकड़ी के बंद बक्स में से निकाला है, किताबों और चीनी के बर्तनों की तरह। क्योंकि जिस तरह किताबों पर दाब के निशान होते हैं और चीनी के बर्तनों पर हिलने जुलने से खराशें आ जाती हैं, ठीक इसी तरह इस लड़की के बदन पर कई जगह ऐसे निशान थे। जब रणधीर ने उसकी तंग और चुस्त अंगिया की डोरियां खोली थी, तो पीठ पर और सामने सीने के नरम नरम गोश्त पर झुर्रियां सी बनी हुई थी और कमर के इर्द गिर्द कसकर बंधे हुए नाड़े का निशान वजनी और नोकीले जड़ाऊ नेकलेस से उसके सीने पर कई जगह खराशें पैदा हो गई थी, जैसे नाखूनों से बड़े जोर के साथ खुजाया गया हो। बरसात के वही दिन थे। पीपल की नर्म नर्म कोमल पत्तियों पर बारिश के कतरे गिरने से वैसी ही आवाज पैदा हो रही थी जैसे कि रणधीर उस रोज तमाम रात सुनता रहा था। मौसम बहुत खुशगवार था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन उसमें हिना के इत्र की तेज खुशबू घुली हुई थी। रणधीर के हाथ बहुत देर तक उस गोरी चिट्टी लड़की के कच्चे दूध ऐसे सफेद सीने पर हवाई छुअन की तरह फिरते रहे। उसकी उंगलियों ने उस गोरे गोरे जिस्म में कई करंट दौड़ते हुए महसूस किए। इस नर्म नर्म जिस्म के कई कोनों में उसे सिमटी हुई कपकपाहटों का भी पता चला। जब उसने अपना सीना उसके सीने के साथ मिलाया, तो रणधीर के जिस्म के हर कोने ने उस लड़की के छेड़े हुए तारों की आवाज सुनी। लेकिन वो पुकार कहाँ थी? वो पुकार जो उसने घाटन लड़की के जिस्म की बू में सूंघी थी, वो पुकार जो दूध के प्यासे बच्चे के रोने से कहीं ज्यादा समझ आती है, वो पुकार जो हदें पार करके बेआवाज हो गई थी। रणधीर सलाखों वाली खिड़की से बाहर देख रहा था। उसके बहुत करीब पीपल के पत्ते लरज रहे थे, मगर वो उनकी कंपनों के उस पार दूर, बहुत दूर देखने की कोशिश कर रहा था, जहां उसे मटमैले बादलों में एक अजीब किस्म की धुंधली रोशनी घुली हुई दिखाई देती थी, जैसे उस घाटन लड़की के सीने में उसे नजर आई थी। ऐसी रोशनी जो राज की बात की तरह छुपी हुई मगर जाहिर थी। रणधीर के पहलू में एक गोरी चिट्टी लड़की, जिसका जिस्म दूध और घी मिले आटे की तरह मुलायम था,
लेटी थी। उसके सोए हुए जिस्म से हिना के इत्र की खुशबू आ रही थी, जो अब थकी थकी मालूम होती थी। रणधीर को यह दम तोड़ने वाली खुशबू बहुत बुरी लग रही थी। उसमें कुछ खटास सी थी, एक अजीब किस्म की खटास जो बदहजमी के डकारों में होती है, उदास, बेरंग, बिना एहसास के। रणधीर ने अपने पहलू में लेटी हुई लड़की की तरफ देखा। जिस तरह फटे हुए दूध में सफेद सफेद बेजान फटे हुए दूध के गोले अलग अलग जगह पे ठहरे हुए होते हैं, उसी तरह उस लड़की का लड़कीपन उसके वजूद में ठहरा हुआ था, सफेद सफेद धब्बों की सूरत में। असल में रणधीर के दिलो दिमाग में वो बू बसी हुई थी जो उस घाटन लड़की के जिस्म से बगैर किसी बाहरी कोशिश के निकली थी। वो बू जो मेहंदी की खुशबू से कहीं ज्यादा हल्की फुल्की और दूर रस थी, जिसमें सूंघे जाने की बेचैनी नहीं थी, जो खुद ब खुद नाक के रास्ते दाखिल होकर अपनी सही मंजिल पर पहुंच गई थी। रणधीर ने आखिरी कोशिश करते हुए उस लड़की के दुधियाले जिस्म पर हाथ फेरा, मगर उसे कोई कपकपाहट महसूस न हुई। उसकी नई नवेली बीवी, जो फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट की लड़की थी, जिसने बीए तक तालीम पाई थी और जो अपने कॉलेज में सैकड़ों लड़कों के दिल की धड़कन थी, रणधीर की नब्ज तेज न कर सकी। वो मेहंदी की मरती हुई खुशबू में उस बू की तलाश करता रहा जो बरसात की इन्हीं दिनों में, जब खिड़की के बाहर पीपल के पत्ते बारिश में नहा रहे थे, उसे घाटन लड़की के मैले जिस्म से आई थी। जितना आक्रोश हमारे बाहर के समाज में है, शायद उससे कहीं ज्यादा हमारे अंदर छुपा हुआ है। समाज की गंदगी की बू की चर्चा हम सब करते हैं, लेकिन अपने अंदर छुपी हुई बू को नहीं पहचानते।